देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर नवाब मलिक का ट्वीट, लिखा लिखा आ रहा हूं मैं। लखीमपुर हिंसा में जब्त 3 हथियारों से फायरिंग की पुष्टि, जीप से मिले खोखो से मिला बाकी। महाराष्ट्र से आने वालों के लिए कर्नाटक ने जारी की कोविड गाइडलाइंस, भोपाल हमीदिया अस्पताल हादसे को मुख्यमंत्री शिवराज ने आपराधिक लापरवाही बताया। दिल्ली से मुंबई आई एनसीबी की टीम, एजेंसी के दफ्तर पहुंची, समीर वानखेड़े भी मौजूद। नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने एसएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भगवा दुपट्टा डाले हुए कुछ लोग देश विरोधी नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। समाजवादी पार्टी ने तत्काल इन लोगों को चिन्हित करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। पाकिस्तान के समर्थन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, हम लोगों ने इस प्रकरण को संज्ञान में लिया और इसी उपलक्ष्य में हमने आज एक ज्ञापन कप्तान साहब आगरा को दिया है कि ऐसे देशद्रोही लोगों के खिलाफ उनको चिन्हित करके इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे समाज में कोई सहमतता नहीं फैला पाए। और अगर प्रशासन ने इस पर सही तरीके से कार्रवाई ना की तो फिर हम समाजवादी पार्टी महानगर पूरा सड़कों पर करके इसका विरोध करेंगे और उनको इस बात के लिए बाध्य करेगी इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी। समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले भगवा राज दुपट्टा डाले हुए देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए गए, उसके संदर्भ में एसएसपी साहब को एक समाजवादी पार्टी महानगर आगरा द्वारा ज्ञापन प्रार्थना पत्र सौंपा गया है। इन लोगों को जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं चिन्हित करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें, जिससे आने वाला समय एक देशभक्ति के खिलाफ ना हो, देशभक्ति के साथ दिया जाए और आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत सदर तहसील के परिसर में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा, दहेज, उत्पीड़न, रात में किसी भी महिला को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती और महिलाओं का संपत्ति में भी बराबर का अधिकार है, इसी तरह विभिन्न कानूनों से महिलाओं को अवगत कराया गया। यहाँ पे कार्यक्रम विधिक जागरूकता शिविर का आरंभ किया गया है विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा, जो कि कार्यक्रम एनसीडब्ल्यू के द्वारा आया था। यहाँ पर महिलाओं के जो उनके कानूनी अधिकार हैं तो उनकी जानकारी देना एक वर्कशॉप के माध्यम से, और ये विधिक जागरूकता सेवा प्राधिकरण का कार्यक्रम जो 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चल रहा है उसी के अंतर्गत है, और इसमें जो कानूनी अधिकार हैं उनको उनके बारे में बताना और जागरूक करना। आज कार्यक्रम में विधिक साक्षरता अभियान चलाया गया और महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम किया गया। जो महिलाएं हैं उनको इस बात की जानकारी दी गई कि वो विधिक साक्षर हों और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और उसको एक बैलेंस के तरीके से अपने अधिकारों। रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय में हुई भारी बारिश से पानी भरने की वजह से शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो गई है। बता दें कि स्कूल न जाने से बच्चों की पढ़ाई पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, बच्चों को विद्यालय जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीर डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के खुदाईपुर प्राथमिक विद्यालय की है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से पानी भरा हुआ है, जलमग्न हो गया विद्यालय, बच्चे विद्यालय जा नहीं सकते हैं क्योंकि पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ है। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना के पूरे हरिकेश गांव में
आईएएस के भाई को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान आईएएस के भाई अश्विनी शुक्ला की मौत हो गई। केजीएमयू हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अश्विनी शुक्ला उधार पैसे मांगने पर गांव के युवक के पास गया था, जहां युवक ने डंडे से पीट पीट कर उसे अधमरा कर दिया। हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का शव घर पहुंचने पर परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार करते हुए प्रतापगढ़ डीएम और एसपी को बुलाने की मांग उठाई है। हरदोई के बिलग्राम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात महिला चिकित्सक की तेज बुखार और डेंगू के प्रकोप से मौत हो गई। बिलग्राम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात थी महिला चिकित्सा डॉक्टर सबा, जिनकी 5 नवंबर को अचानक तबीयत खराब हो गई। शुरुआती जांच में डेंगू के लक्षण का पता चला था, जहां इलाज के दौरान लखनऊ के एक हॉस्पिटल में चिकित्सक ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर के निधन की खबर से चिकित्सा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। पिनाहट में डेंगू और वायरल फीवर से 42 मौतों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग पिनाहट में नहीं जागा है। पिनाहट में बदहाल पड़ी स्वास्थ्य सेवाएं सामने आई है, जहां 11 बजे तक भी अस्पताल नहीं पहुंचते हैं चिकित्सक। 11 बजे तक चिकित्सकों के कक्षों में लटके दिखते हैं ताले। चिकित्सकों की मनमानी से मरीजों में आक्रोश देखने को मिला है, जबकि बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के इंतजार में घंटों बैठे रहते हैं और बुखार से पीड़ित मरीज चिकित्सकों के नहीं आने पर झोला छाप की शरण में इलाज कराने को मजबूर है। वहीं 3 दिन से बंद पड़ी सीवीसी जांच और सीवीसी जांच को भटक रहे हैं मरीज। फरीदाबाद की जिला अदालत में बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एलएन पराशर ने सैकड़ों युवा वकीलों को कानूनी पुस्तकों का 8वीं बार वितरण किया। सुबह से ही उनके चैंबर के बाहर वकीलों की भारी भीड़ लग गई और किताबों को लेने के लिए मारामारी शुरू हो गई। पहले कहा गया था कि युवा वकीलों को किताबें दी जाएंगी, लेकिन सीनियर वकील भी किताबें लेने पहुंच गए और फिर सबको किताबें दी गई। वहीं पराशर ने कहा कि अदालत में वकीलों के बैठने के लिए सीटें कम और युवा वकीलों को भटकना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने सीएम मनोहर लाल और फरीदाबाद के उपायुक्त जितेंद्र यादव को पत्र लिखा है और कोर्ट परिसर में जो खाली जमीन है उसमें वकीलों के बैठने की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। आज 4 किताबें एलन पराशर जी ने डिस्प्यूट की हैं, जिसमें क्रिमिनल मेजर एक्ट है, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है, जो कि जितने भी नए एडवोकेट्स हैं सबके बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है और कोर्ट में प्लीडिंग अपना पक्ष रखने के लिए ये इस बुक का बहुत यूज़ है। दूसरी बुक है सुप्रीम कोर्ट डाइजेस्ट ऑन आईपीसी, ये 2010 से 2018 का डाइजेस्ट है, जिसमें सारे केसेस का ब्रीफ में दे रखा है ताकि हम केसेस को सर्च करने में आसानी हमें मिले। तीसरी हमारी है इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, ताकि जितने भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स हैं उस पर सारे केस लॉ वगैरह उसमें मेंशन है, जो कि युवा वकीलों के लिए बहुत हेल्पफुल है। और तीसरा है 2022 की डायरी, जो भी नए केस आते हैं वकीलों के लिए। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ तो रामबाण की तरह असर करते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे जब युवा वकीलों को कोई साथ देता है, कोई सहयोग देता है, तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। सर, मैंने ये किताब 8वीं बार बांटी है और युवा वकीलों के लिए, हालांकि आ जाते हैं इसमें सीनियर भी बहुत से आ जाते हैं, मने किसी से हम करते नहीं हैं। ये किताब बांटने का हमारा मेन पर्पज है कि युवा वकील इसे पढ़ें और कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत तरीके से रख सकें, जिससे कि कोर्ट। अब खबर औरैया से है, जहां अजीबोगरीब घटना घटित हुई है। ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं बल्कि असली घटना है, जो औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में यमुना रोड स्थित एक लोहा व्यापारी के घर पर हुई है। घर के सभी लोग शिरडी घूमने गए थे, घर में बस बुजुर्ग दंपत्ति मौजूद थे। उसी दौरान घर में एक अज्ञात चोर घुस कर बैठ गया और चेहरे पर मास्क लगाकर बुजुर्ग दंपत्ति को धमकाकर आलमारी खोलने को कहा। जब बुजुर्ग दंपत्ति ने चाबी नहीं होने का हवाला किया, तब चोरों ने अपनी जेब में रखी चाबी देकर दंपत्ति को ताला खोलने के लिए कहा, जो चोर खुद लेकर आया था। वहीं अलमारी में रखे 500 रुपए की
गड्डी और सोने की चेन लेकर बुजुर्ग दंपति को कसम खिलाई कि किसी को भी वो इस घटना के बारे में नहीं बताएंगे और एक कागज में लिखवाया भी कि पुलिस को सूचना नहीं देंगे। मलचंद पुरवार जी हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका आयरन का व्यापार है। इनके लड़के दीपचंद और पुरवार गए हुए हैं शिरडी घूमने के लिए, तो कमलचंद पुरवार और उनकी पत्नी अकेले घर पे थी। 2.5 महीने पहले इनके घर से इनकी अलमारी की चाबी गायब हुई थी, जिसमें ये रुपए वगैरह रखते हैं। कल जब ये लोग घर बंद करके सो रहे थे, तो चुपके से कोई अज्ञात व्यक्ति जो गायब चाबी थी उस चाबी के साथ घुस गया इनके घर में और उनसे कमलचंद पुरवार जी की पत्नी से कहा कि इस अलमारी में रुपए जो रखे हैं वो मुझे दे। उन्होंने कहा कि चाबी नहीं है, उसने चाबी इनको दिया, कहा ये लो चाबी। वही अब खबर फतेहपुर से है, जहां तेज रफ्तार विक्रम की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की मदद से भाग रहे विक्रम चालक को पकड़ लिया गया। उसे विक्रम में बाइक सवार घायल को हॉस्पिटल भेजा गया। विक्रम चालक बाइक सवार घायल को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बाइक सवार घायल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौर्य हम बनारसी के रहने वाले हैं और ये हमारा भतीजा है। ये दो भाई हैं, ये आ रहे थे कानपुर से, आ रहे थे घर लौट के, तो बहुरा का डेरा पड़ता है खजुआ के पास में, वहीं पे खड़े होकर मसाला खा रहे थे और बस पीछे से टेम्पो वाले ने आया है और इनको खतर के कुचड़ के चला गया है। बाद में फिर वो खुद से ला दी सुईमा और ले के जाके रास्ता मानी फेंक के चला गया है। बाद में हमको 2-3 घंटे बाद पहले तो टक्कर मारी गई, जब युवक गंभीर रूप से घायल हो गया तो स्थानीय लोगों ने उस ऑटो चालक को पकड़ा और उसके बाद जब उससे हॉस्पिटल में युवक को भर्ती कराने के लिए कहा तो वो युवक को लेके गया लेकिन रास्ते में ही छोड़ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जब ये सूचना मिली तो मौके पर पहुंची और पाया कि उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जिसे डॉक्टरों ने अस्पताल में मृत घोषित किया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।